हमारे मुआशरा में आम तौर पर क़ुरबानी का वाजिब होना या वाजिब ना होना इसका तायुन किया जाता है ईद से पहले पहले। ईद से पहले पहले हम तायुन कर लेते हैं हमारे ऊपर क़ुरबानी वाजिब है या वाजिब नहीं है। अगर तो वाजिब नहीं तो हम क़ुरबानी नहीं करते, अगरचे ईद के तीन दिनों के दौरान, क़ुरबानी के तीन दिनों के दौरान हमारे पास इतनी रकम क्यों ना आ जाए जो निसाब को पहुंचती हो। जबकि मसला ये है कि अगर किसी शख्स पर क़ुरबानी वाजिब नहीं थी और ईद शुरू हो गई, ईद के तीसरे दिन भी उसके पास इतनी रकम आ गई जिसकी वजह से चांदी का निसाब पूरा हो जाता है और उसे इतना वक़्त मिल गया कि वो जानवर ख़रीद कर उसे ज़बह कर सके, तो ऐसे शख्स पर क़ुरबानी करना वाजिब है, इसे क़ुरबानी करनी चाहिए। और अगर ये किसी उज़र की बिना पे नहीं कर सका तो इसे बाद में उस क़ुरबानी का सदका करना चाहिए। और एक मसला और है, वो ये हमारे माहौल में लोग इस गलत फहमी में मुबतला हैं कि क़ुरबानी घराने पर वाजिब होती है, जबकि हकीकत यह है कि क़ुरबानी घर पे वाजिब नहीं होती, बल्कि एक घर में जितने अफराद साहिब निसाब हों और उनमें क़ुरबानी की शर्तें पाई जाएं तो सब पर अलग अलग क़ुरबानी वाजिब होगी। जैसे खावंद साहिब निसाब है उस पर अलग, बीवी साहिब निसाब है उस पे अलग, और अगर औलाद साहिब निसाब है उस पे अलग। जैसे बुलूगत के बाद शर्तों के पाए जाने की वजह से खावंद पे अलग से नमाज फ़र्ज है, बीवी पे अलग से फ़र्ज है, औलाद पे अलग से फ़र्ज है, क़ुरबानी के मामलात भी इसी तरह हैं। जितने लोग घर में साहिब निसाब हैं और क़ुरबानी के वजूब की शर्तें उनमें पाई जाती हैं, उन सब पर क़ुरबानी करना वाजिब है। ना ये कि अगर बाप क़ुरबानी कर दे तो बाकी सब खामोश होकर बैठ जाएं और क़ुरबानी के अमल को तर्क कर दें, ये किसी सूरत दुरुस्त नहीं है।